हेलो एवरीवन, तो आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने सीरीज चला रखी है कि हम 5 क्वेश्चन अ डे आपके लिए लेके आएंगे हर एक सब्जेक्ट से आपके, तो आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे आपके और भी क्वेश्चंस आएंगे और भी आपके लिए, जैसे कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है, हम लेके आएंगे आपके लिए। तो इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, हम पहले प्रीवियस ईयर सारे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरएएस के, उसको देखेंगे एंड देन नए क्वेश्चंस इसके बेस पे फॉर्म करेंगे, राइट। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम, जैसे कि आपका आया है 2018 में, 102 जो नंबर क्वेश्चन है वो पूछा गया है, Which one of the following is not included in the revenue account of union budget? Union budget मतलब budget दो types का होता है, हमें पता है, revenue और capital होता है, उनमें से ये कौन सा नहीं। Options हमारे पास है, tax receipts, interest receipts, profit dividend of government department and undertaking and small savings। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में शामिल नहीं है, ये सारे बताए कौन सा नहीं है। तो इसका स्टूडेंट आंसर हो जाता है स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग आपका जो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू अकाउंट में नहीं आता। रेवेन्यू अकाउंट भी एक रिसिट्स होते हैं और एक क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो जो स्मॉल सेविंग आती हैं ये पब्लिक फंडिंग में आती हैं, ये तो कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट है, राइट। तो ये हो जाता है पब्लिक फंड जो है उसमें आता है स्मॉल सेविंग, राइट। ये है, तो ये यूनियन बजट में नहीं इंक्लूड, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन आपका 5 ईयर प्लान से और आते ही हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आपके सारे 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। तो देखते हैं, क्वेश्चन है, 11th 5 ईयर प्लान एम्फसाइज ऑन फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ऑप्शन है हमारे पास, इसका हिंदी भी देख लेते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में से तेज और अधिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। तो ऑप्शंस है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमी ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट, फास्टर सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड लास्ट है फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव। हर एक 5 ईयर प्लान का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो 11 5 ईयर प्लान का है फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव। याद रखिएगा, सस्टेनेबल नहीं आएगा, सस्टेनेबल जो है वो 12th 5 ईयर प्लान। तो ये 12th 5 ईयर प्लान का है और ये 11th 5 ईयर प्लान का, राइट। पंचवर्षीय योजना के सारे ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए। फिर ये क्वेश्चन आपके इन्फ्लेशन से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार से इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो 104 क्वेश्चन आपका था असर्शन और रीजन क्वेश्चन। तो ये ऑप्शंस वैसे ही हो जाएंगे। तो देखिए, असर्शन जो है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉजेस बाय शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आता है और कॉस्ट की वजह से। वही आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। रीज़न देख लेते हैं, शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टेक प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेज। अब देखिए, हिंदी में देखते हैं, लागत वृद्धि मुद्रास्फीति कुल आपूर्ति वक्र में बदलाव के कारण होती है। कारण है इसका, मजदूरी में वृद्धि के कारण कुल आपूर्ति वक्र में बदलाव होता है। तो याद रखिएगा, इसमें से आपको दो कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, कॉस्ट है, कॉस्ट किसका होगा,
प्रोड्यूसर का होगा, तो सप्लाई कर्व में चेंजेस आते हैं। तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि ईजिली आप क्वेश्चन कर सकते। तो देखिए यहाँ पे वेज या प्राइस होता है जब वाई एक्सेस की बात करते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी या इनकम की बात किया जाता है जब एक्स एक्सेस की बात करते हैं। तो आपका डिमांड जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और सप्लाई जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट, ये याद रखिएगा। अब यहाँ बोल रहे हैं शिफ्ट हो गया है, अब इन्फ्लेशन है तो राइज होगा, तो राइज जब शिफ्ट होगा मतलब कि इस टाइप, और सप्लाई में चेंज होगा। सप्लाई में क्यों चेंज होगा, क्योंकि कॉस्ट की बात की गई है, तो ये अपवर्ड चेंज हो गया, मतलब कि पहले इतना वेज और प्राइस मिलता था, अब क्या हो गया है, वेज इंक्रीज। तो आप देख रहे हैं W और W1 हो गया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो शिफ्ट हुई है सप्लाई कम में, वो शिफ्ट हो गई है कॉस्ट पुश की वजह से, सप्लाई शिफ्ट हो गया, तो ये सही होता है। उसी प्रकार से बोलते हैं हम जो सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हुआ क्योंकि वेज इंक्रीज हो गई, यस ये भी सही है। और देखिए यहाँ पे भी कॉस्ट की बात की गई है, यहाँ पे भी कॉस्ट की बात की गई है, क्यों, क्योंकि वेज क्या होता है, आपके वेज इंक्रीज होगा, लेबर की वेज इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोड्यूसर की इंक्रीज होगी। तो ये जो होता है आंसर, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो ए में बात की गई है वही आर में भी बात की गई है। तो थोड़ा सा आपको कर्व्स, थोड़े बहुत अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो डिमांड एंड सप्लाई पता होना चाहिए कैसे अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, तो आपके जैसे यहाँ पे एक्यूरेट आंसर आप दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे और क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 105 क्वेश्चन, द मोस्ट वॉलेटाइल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इन इंडिया। वॉलेटाइल मीन्स अस्थिर, अस्थिर। देखिए भारत में संगठित मुद्रा बाजार का सबसे अस्थिर हिस्सा क्या है, अस्थिर मतलब कि वॉलेटाइल, चेंज होता है, और चेंज क्यों होता है, याद रखिएगा इकोनॉमी में वही चीज़ चेंज होती हैं जो कि डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होती हैं, लाइक डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो मार्केट होता है वो क्या होता है, वो अस्थिर होता है, राइट, ये याद रखिएगा, वॉलेटाइल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है कमर्शियल बिल मार्केट, कॉल मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये सारे जो हैं आपके इंस्ट्रूमेंट हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के। तो जो वॉलेटाइल होता है वो आपका कॉल मनी मार्केट होता है। कॉल मनी मार्केट जब कमर्शियल बैंक जो है, एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से लोन लेता है लिक्विडिटी पर्पज़ के लिए, तो उसको कॉल मनी, और कॉल क्यों बोला गया है, क्योंकि डील होती थी कॉल पे, इसीलिए इसको कॉल मनी। ये बहुत वॉलेटाइल होता है क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, इसीलिए अस्थिर होती हैं, राइट, ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं 142 क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स द 4% इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया विच टॉलरेंस लेवल ऑफ ±2% फॉर द पीरियड 2016 और 2021। अब याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो कौन फिक्स करता है, ये देखेंगे। देखते हैं हिंदी में, निम्नलिखित में से किसके 2016 से 2021 की अवधि के लिए भारत में ±2% के सहनशीलता स्तर के साथ 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य तय किया। तो याद रखिएगा कि जो इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति होता है वो क्या होता है, 2% से 6% तक के क्राइटेरिया, मतलब ना ही आप 2% से नीचे जाएंगे और ना ही ऊपर जाएंगे 6%, मतलब कि ±2% बोला जाता है। तो ये जो इन्फ्लेशन है, रेट है, वो कौन
तय करता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जीडीपी कौन तय करता है, राइट, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कौन सी सीपीआई कौन करता है, डब्ल्यूपीआई कौन करता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस वन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग, 14 फाइनेंस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो याद रखिएगा, जो आपका मुद्रास्फीति को जो तय करता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ही तय करती हैं कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कितनी रहनी चाहिए। फ़ायदेमंद भी होती है जो आपका इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति, कुछ महंगाई कुछ टाइम तक, जैसे कि +2 तक रहना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो वो सिचुएशन इकोनॉमी डाउनवर्ड में चली जाती है। तो स्टूडेंट यही है, आपको जो PDF है और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो आज के लिए यही है क्वेश्चंस, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।